ये है कॉर्न सिटी इंडिया और आप देख रहे हैं CCI डिजिटल नेटवर्क। और इस वक्त हम हैं धरना स्थल पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के। ये सिलसिला 24 घंटे का इन्होंने आज शुरू किया है, दिन और रात का। अब ये वो वक्त आ गया जब लड़ाई आर पार की हो गई है और माता रानी से, माँ शेरोवाली से, चूँकि नवरात्र भी चल रहा है, गुहार की जा रही है कि उनकी इस परेशानी का हल निकले। सविता ठाकुर हमारे साथ हैं और आप सभी लोग हैं, अभी कुछ भजन और जस गाए जा रहे थे। सविता जी, अब 24 घंटे का धरना शुरू हो गया है और हम देख रहे हैं कि इस पंडाल में लाइट वगैरह तो नहीं है अभी तुरंत, अभी तो दिन है लेकिन थोड़ी कुछ वक्त बाद अंधेरा हो जाएगा, कैसे मैनेज करेंगे? हम लोगों ने यहाँ जो मंदिर है उनसे कहा था कि हमें लाइट की थोड़ा सा व्यवस्था दे दीजिए, तो उन्होंने भी मना कर चुके हैं। अगर नहीं देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अब अंधेरे में ही रह लेंगे, क्योंकि हम लोगों को वैसे भी तो अल्प मानदेय मिलता है, इस महीने का मानदेय भी काट दिया गया है हमारा, तो हमें तो, और शासन से हम गुहार लगा ही रहे हैं कि हमारा मानदेय में वृद्धि की जाए, वेतन दिया जाए, हमें नियमितीकरण का दिया जाए, लेकिन शासन प्रशासन तो कोई बात सुनने को तैयार नहीं आ, तो और मुख्यमंत्री जी भी सुनने को तैयार नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि वो मतलब भोपाल में बैठे हुए हैं और सारे ज़िलों में लड़कियां परेशान हैं, हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें, और जब भोपाल में हम लोग जाते हैं तो वहाँ तो हमें घुसने भी नहीं दिया जाता, जैसे भोपाल की नगरी हमारे माननीय महोदय जी की ही हो गई हो। अब आगे क्या, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अभी तक कोई हल नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, अब आगे क्या क्या रणनीति है? हमारी तो रणनीति ये है कि अब शासन प्रशासन तो हमें दबाव भी देने लगे हैं, लेकिन हम लोग तो खाली हाथ नहीं उठेंगे, क्योंकि हम 28 दिन बैठ चुके, इतनी तपती चिलचिलाती धूप में बैठे हुए हैं, परेशान तो हो ही गए हैं और परेशान होंगे, भला ही हमें आर पार की लड़ाई लड़ना पड़े या अपनी जान को जोखिम में डालना पड़े, कोई दिक्कत। 28वां दिन है और गर्मी बढ़ती जा रही है, आप लोग गा सकती हैं, गाते रहिए, और क्योंकि ये समय भी काटना यहाँ पर है और वक्त को गुजारना है, साथ ही अब गर्मी है, दिन बहुत मुश्किल से कटा आज। जी, आज का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, कल का भी था, तो हमारी बहनों ने निर्णय लिया कि दीदी हम 24 घंटे यहाँ पे धरना देंगे, तो रात में भी हमारी बहनें भूखी प्यासी यहाँ पर धरने पर बैठेंगी, और इसके बाद भी अगर शासन प्रशासन नहीं मानती है हमारी बातों को तो हमारे तो उग्र आंदोलन अब शुरू हो ही गए हैं 24 घंटे के धरने के दौरान। अन्य ज़िलों में हमारी बहनें ट्रेन रेल रोको अभियान भी शुरू कर दिए हैं और इसके बाद हमारी अमरण अनशन क्रमिक भूख हड़ताल भी जारी हो जाएगी। इसके बाद आमरण अनशन और क्रमिक भूख हड़ताल, महिलाएं हैं, परिवार हैं, बच्चे हैं, फिर भी अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं आप लोग, घर वालों की तरफ से या अब लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है? सर, घर वालों की तरफ से तो है कि 10,000 में अभी कुछ नहीं हो रहा है सर जी, तो घर वाले भी हमारा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं हमको हड़ताल करनी ही चाहिए और शासन हमारी नहीं सुनता है तो बिना लिए हमको उठना नहीं है, हमारे घर वाले भी हमारा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। भोपाल से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है संगीता जी? नहीं, भोपाल से कोई प्रतिक्रिया नहीं है और आज हम लोगों की प्रदेश अध्यक्ष दीदी वहाँ पे थी तो उन्होंने कहा कि CM जी के सलाहकार सर के मिस्टर चौबे के साथ में उनकी बैठक हुई है, पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम लिखित रूप से किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं दे सकते, ना ही कोई लेटर दे सकते हैं, तो हम इसके बाद में हम चाहते हैं कि अब हम उग्र आंदोलन की तरफ कदम बढ़ाएँ। तेरी हूँ बाग में हूँ माँ, मैया अम्बा माई उतरी हूँ बाग में हूँ माँ, मैया अम्बा माई उतरी है बाग में हूँ माँ, मैया अम्बा माई उतरी है बाग में हूँ माँ, मैया अम्बा माई उतरी है बाग में हूँ माँ, मैया अम्बा माई उतरी है हो, मैया हाथ में कलसा ले खड़ी हो माँ, मैया हाथ में कलसा ले खड़ी हो माँ, अरे कुमरन बन के आ गई वो राजा की मालनिया, अम्बा माई उतरी है बाग में हो माँ, मैया अम्बा माई उतरी है बाग में हो माँ, लट खोल के नाचो मेरी माँ की मैं नारा
जड़ लट खोल के नाचो मेरी माँ चुने ना रतन जड़े हो माँ रतन जड़े हो माँ रतन जड़े ओ मैया रतन जड़े ए लट खोल के नाचो मेरी माँ चुने ना रतन जड़े लट खो मैं इस मंच से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से एक मांग करता हूं कि कोई बात नहीं कि आप हमारी बहनों का आर्थिक शोषण करिए, मगर मैं साथ में आपसे एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप हमारे बीच में ये जो हड़ताल पर 28 दिन से हमारी बहनें बैठी हैं इनका वेतन नहीं बढ़ाते कोई बात नहीं, कम से कम आप एक काम ये करिए कि मध्य प्रदेश के जितने भी विधायक हैं जितने भी मंत्री हैं जितने भी आपके सांसद हैं हर व्यक्ति की जो जनप्रतिनिधि बने हुए हैं उनकी तनख्वाह 5,000-5,000 रुपए महीने कर दीजिए। यदि आप गरीबों को दे नहीं सकते तो आपको लेने का अधिकार भी नहीं है। पंडा बाबा रे मलिया गिल से निबुआ मांगा दो पंडा बाबा रे मलिया गिर से निबुआ मांगा दो कंकालन मोरी माए जग तारण मोरी माए पल पल की खबर ना बिसरू हो जा दयाल कृपाल महामाई अब की बेरा हो जा दयाल कृपाल महामाई अब की बेरा सुमर सुमर मैया तोरे जस गावे सुमर सुमर मैया तोरे जस गावे जे बोलो महला जा रे राजा की माननिया अम्बा माई उतरी है बाग में हो माँ मैया अम्बा माई उतरी है बाग में हो माँ मैया अम्बा माई उतरी है बाग में हो माँ।